नगर परिषद की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आयुक्त ने 2 दिनों तक सफाई कर्मचारियों को भी आवारा पशुओं को पकड़ने में लगा दिया। शनिवार को इस अभियान के दौरान विचित्र स्थिति सामने आई। नगर परिषद कैंपस आवारा पशुओं से भरा हुआ था तो कब्रिस्तान के पास बाड़े में आवारा पशु भरे हुए नजर आए। दोनों जगह पशुओं की हालत बुरी थी तो चहूं और गंदगी का आलम नजर आया। नगर परिषद की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बाड़मेर से आवारा पशुओं को पकड़कर नवनिर्मित नंदी गौशाला में डाला जा रहा है। इसको लेकर आयुक्त ने तुगलक की फरमान जारी कर 2 दिनों तक सफाई कर्मचारियों को भी आवारा पशुओं को पकड़ने में लगा दिया है। इस आदेश के बाद जहां बाड़मेर शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है तो शनिवार को शहर में विचित्र स्थिति भी सामने आई। अभियान के दौरान शहर के आवारा पशुओं को पकड़कर नगर परिषद में रखा गया। ऐसे में नगर परिषद गौशाला बनी हुई नजर आई। यहां शनिवार को स्थिति खराब नजर आई। यहां पशु बेहाल दिखे तो कैंपस भी बुरी गत हो रखी थी। इसके बाद कब्रिस्तान के पास बने बाड़े में भी आवारा पशु भरे नजर आए। इन दोनों ही स्थानों पर पशुओं की हालत बुरी थी तो चहूं और गंदगी का आलम नजर आया। आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान नगर परिषद की ओर से बाड़मेर शहर के गोलेच्छा ग्राउंड में आवारा पशुओं को पकड़कर शुक्रवार को रात को कैद किया गया। यहां पशुओं की देखरेख को लेकर किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया गया। इस गफलत का अंजाम यह हुआ कि शनिवार सवेरे गोलेच्छा ग्राउंड का गेट किसी ने खोल दिया तो सभी पशु दोबारा शहर की सड़कों पर धमा चौकड़ी करते नजर आए।